हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स आज हम जो चैप्टर नंबर वन चल रहे हैं हमारा द लिविंग वर्ल्ड उसमें से जो टॉपिक देख रहे हैं वो है टेक्सोनिक एड्स तो कंफ्यूज मत हो ये एड्स कोई डिसीज़ नहीं है ये एड्स का मतलब ये एड का मतलब होता है जैसे हम कोई भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफिकेशन करते हैं मान लो हमारे सामने कोई कॉकरोच है तो कॉकरोच को हम किस में रखेंगे वर्टिब्रेट्स में रखेंगे या इनवर्टिब्रेट्स में रखेंगे तो उनको क्लासिफिकेशन करने के कुछ मैथड्स होते हैं उन मैथड्स को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंगवर बायो रिसोर्सेस एंड बायोडाइवर्सिटी अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने टेक्सोनोमिकल स्टडी मतलब कोई भी प्लांट एनिमल बैक्टीरिया वायरसेस फंजाए प्रोटोजाज जितने भी ऑर्गेनिजम है उन सबको टेक्सोनोमिकली क्लासीफिकेशन करना ये किन किन चीज़ों में कौन कौन से फील्ड में हमें फ़ायदेकारक होता है तो अगर हम टेक्सोनोमिकली इनको क्लासीफिकेशन करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी ये यूजफुल है ये फॉरेस्ट्री में भी यूजफुल है ये इंडस्ट्री में भी यूजफुल है और हमें बायो रिसोर्सेस के भी बारे में भी ये पता लगा सकते हैं। बायो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आज तक कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं प्लांट कितने हैं एनिमल कितने या तो कितने एक्सटिंक्ट हो गए इन सब की जो डिटेल स्टडी होती है वो हम बायो रिसोर्स के थ्रू करते हैं दिस स्टडी वुड रिक्वायर कलेक्शन वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम टेक्सनोनोमिकल स्टडी करते हैं तो हमें टेक्सोनोमिकल स्टडी करने के लिए हमें प्रॉपर करेक्ट क्लासीफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है अब क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन और का मतलब हमने इस लेसन में पहले भी देखा हुआ है मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को किंगडम से लेके स्पीसीज तक उसे क्लासीफाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फ़्लावर लो चाइना रोज पकड़ लो तो चाइना रोज का किंगडम क्या हुआ किंगडम हुआ प्लांट ठीक है और उसकी स्पीसीज होती है रोजा साइनेंसिस तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है और आइडेंटिफिकेशन मतलब उस प्लांट को बैक्टीरिया को वायरस को एनिमल को जो भी है उसे प्रॉपर आइडेंटिफाई करें आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और उस फील्ड में भी स्टडी करना पड़ेगा जहाँ पे वो एनिमल प्लांट पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैमल को डिटेल में स्टडी करनी हो तो हम कैमल को डेजर्ट में से यहाँ पे तो लेके आ सकते हैं लैब में उनकी स्टडी कर सकते हैं लेकिन बेटर स्टडी उस फील्ड में होगी जहाँ पे कैमल अच्छी तरह से रहते हैं जो उनका हैबिटेट है जो उनकी जगह है द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज प्राइम रिसोर्स ऑफ टेक्सोनोमिकल स्टडी मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम फील्ड वर्क उनकी जगह पे जाके करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एनिमल और प्लांट को जब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनका प्रॉपर स्पेसीमैन कलेक्शन करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमिकल स्टडी के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर आप Uh, मान ले आपने कोई इंसेक्ट की स्टडी करनी है उसको क्लासिफाई करना है मान लो आपके पास कोई बटरफ्लाई जो आपने नई पहली बार देखी है बटरफ्लाई तो उस बटरफ्लाई को देखने से ही आप डायरेक्टली उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो आपको उनका स्पेसिमेन कलेक्ट करके उनको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी कि उनके विंग्स कितने हैं उनके लेग्स कितने हैं वो एग्जापोड़ा है या टेट्रापोड़ा है ये सब आपको डिटेल में स्टडी करने के बाद ही आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो और क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको स्पेसिमेंट चाहिए ही चाहिए होगा नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं these are also fundamental to study and essential for the training in systematics. अगर ऑर्गेनिज्म की डिटेल में स्टडी करनी है तो हम इस is इस मेथड थ्रू कर सकते हैं जो fundamental फंडामेंटल आ, फंडामेंटल भी बता देते हैं ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक्स भी बताते हैं सिस्टमेटिक्स का मतलब भी मैंने आपको इस चैप्टर में अब बताया हुआ है मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिस्टमेटिक क्या होता है सिस्टेमेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन एनिमेनेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे पत्थर हुए सॉइल हुआ वाटर हुआ तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस स्टडी होती है उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गेदर इज ऑल्सो स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग अलोंग विथ अ स्पेसीमैन अब ये चीज कहाँ यूज में होती है ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन में तो यूज में होती है लेकिन जब हम सैंपल कलेक्ट करते तो सैंपल कलेक्ट करते समय हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो इंफॉर्मेशन को हम आगे चल के स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोर करने के फायदा क्या होता है आगे वाली जनरेशन उन चीजों को और डिटेल में स्टडी कर पाएगी इन सम कैसे स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर स्टडी जैसे मैंने अभी आपको बताया मान लो मैं कोई रिसर्च करता हूँ तो रिसर्च करने के बाद मैंने जो सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं वो सैंपल अगर मैं उनका कलेक्शन करके अच्छी तरह से प्रिजर्व करता हूँ तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी आगे आने वाले जो स्कॉलर स्टूडेंट होंगे उनको ईजी हो जाएगा जस्ट बिकॉज उनको सैंपल कलेक्शन फिर से नहीं करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज दी स्पेसिमैन अब यहाँ पे बताया गया है हम जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स बनाए हैं जिस टेक्निक के थ्रू हम उन सैंपल को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं सम ऑफ़ दिस एक्सप्लेन हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस एड्स अब यहाँ पे कुछ हमें सेम कुछ ऐसे टेक्निक्स दी हुई हैं जिस टेक्निक को हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हर्बेरियम हुआ बोटनिकल गार्डन हुआ फिर जूलॉजिकल पार्क हुआ ऐसे ये सब इंफॉर्मेशन हम डिटेल में देखते हैं